कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर समिति, पंजीकृत सुभाष चौक मंगल बाजार लक्ष्मी नगर दिल्ली, निवेदक सकल जैन समाज सुभाष चौक मंगल बाजार लक्ष्मी नगर दिल्ली। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्यादर्पणायते दीश्यामि समीचीनं धर्मं कर्म निवर्हणं संसार दुःखता सत्वान् योधरतित्तु मे सुखी सदृष्टिज्ञान वृतानि धर्मं धर्मेश्वराभिदु यदि अप्रत्यनीकानि भवन्ति वोपद्धति श्रद्धानं परमार्थानां आप्तागम तपोवृतां त्रिमूलापौलमस्तांगं सम्यक् दर्शनमस्महं आप्तेनोत्सन्न दोषेण सर्वज्ञिना गमेशिना भवितव्यं नियोगेन नान्यथा याप्ता भवेत् क्षुत्पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया नरागद्वेष मोहाश्च यस्याप्ता सा प्रकीयते परमेष्ठी परम ज्योतिर्भागो विमलाकृति सर्वज्ञोनादि मध्यांता सर्वाशास्त्रोपलालते आप्तोपगमनुल्लंघमादृष्टिष्टबोधकम् तत्त्वोपदेश सार्वम शास्त्रम कापत्य घटनम। तो यहीं तक अपनी बात हुई थी। तो कल बतलाया था कि आपको सम्यक दर्शन के आधार स्तंभ देव शास्त्र गुरु तीन की चर्चा चल रही है कि उन आधार स्तंभों की बात चल रही है। सबसे पहले कहा था कि उस सम्यक की प्राप्ति करना ही धर्म है और वह धर्म तीन रूप में कहा हुआ था, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। तो बात चली थी कि वह सम्यक कैसे प्राप्त होगा। तो उसके लिए बताया कि परमार्थभूत देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। तो ऐसे वह सबसे पहले अपन ने जिनेंद्र भगवान का स्वरूप जान लिया था कि जिनेंद्र भगवान का स्वरूप क्या है। इसके बाद जिनवाणी के स्वरूप के रूप में यहाँ पर दो श्लोक दिए हुए थे। उन दो श्लोकों में बताया था सबसे पहले कि जिनेंद्र भगवान की वाणी कैसी होती है। तो उन्हें बताया कि आप तो पग मनोल्लंघ माँ दृष्टि, उसके पहले बताया था अनात्मार्थम बिना रागई शास्त्रा शास्त्री सतोहितम ध्वनन शिल्प कर स्पर्शान मुर्जा किम पेक्षते। कहा कि जैसे बिना किसी प्रयोजन के और बिना किसी स्वार्थ के जिनेंद्र भगवान की वाणी खिड़ती है। कैसे खिड़ती है? कहा जैसे कोई मृदंग बजाने वाला मृदंग में हाथ मारता है तो वह अपनी ध्वनि बिना किसी कारण के निकालता है, ऐसी जिनेंद्र भगवान की वाणी। फिर जिनेंद्र भगवान की वाणी की विशेषता बतलाते हुए बताया था कि वह आप्त के द्वारा उत्पन्न है, किसी सामान्य के द्वारा उत्पन्न नहीं होती है, इसके द्वारा है। आप्त मतलब भगवान के द्वारा उत्पन्न है। और कहा अनुल्लंघ है मतलब कोई भी छोटे वादी उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। और मादृष्टिष्ट विरोधकम का परस्पर के विरोध से रहित है और तत्वों का उपदेश करने वाली है और कहा कि सार्वम सबका हित करने वाली है, ऐसी जिनेंद्र भगवान की वाणी होती है। तो का उस वाणी को भी स्वीकार करना, अंगीकार करना। और हम कुछ जाने या ना जाने लेकिन जिनेंद्र भगवान की वाणी सच्ची है, सर्वोपरि है, हित करने वाली है, ऐसा अगर हम स्वीकार कर लेते हैं तो हम सम्यक्ति हैं। आज सारी समस्या, सारे झंझट भगवान को लेके कोई झंझट नहीं है, है ना? दो चीज़ों को लेकर के आज झंझट है। क्या है? एक जिनवाणी को लेकर के और एक गुरु को लेकर के। इन दो बातों को लेकर के सारा विभाजन यहाँ पर चल रहा है। भगवान के स्वरूप को तो सभी स्वीकार कर लेते हैं, उसमें भी एक सांप्रदाय के लोग भगवान के स्वरूप को भी स्वीकार नहीं करते हैं। वो हैं तारण वाले जो होते ना, तो शायद दिल्ली में भी होंगे क्योंकि यहाँ तो सब प्रकार के लोग हैं, तो वो भगवान की मूर्ति को भी नहीं मानते हैं। लेकिन अन्य सब जितने भी हैं वो सब भगवान को तो मानते हैं लेकिन जिनवाणी में अंतर भेद कर देते हैं, कहते हैं कि नहीं ये बात सही है, ये गलत लिखी है, सही लिखी है, ऐसा। तो पहली बात तो यह है कि हम इतने अल्पज्ञ हैं और अल्पज्ञ होकर के हम जिनवाणी की बात बारे में सही और गलत कहें, ये बात बराबर नहीं बैठती है। फिर और अगर हम जिनवाणी में ही कहें कि नहीं इसमें ये सही ये गलत है, तो फिर हम तो सर्वज्ञ से भी बड़े हो गए।
क्योंकि जब उनकी वाणी को भी बताने लगे कि इसमें सही हो गलत, तो इसका मतलब कि सर्वज्ञ से भी बड़े हो गए। तो यहाँ पर जिनेंद्र भगवान की वाणी को हमने जाना कि इस तरह से यह इतनी बात विशेषताएँ होती हैं कि सबसे पहले कहा कि यह आप्त के द्वारा उल्लंघ है, आप्त के द्वारा कही हुई है और अनुल्लंघनीय है, किसी प्रकार से कोई इसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता है। और उल्लंघन मतलब देव आदि भी, जो कि इंद्र समस्त द्वादशांग का पाठी होता है, वह भी कभी उसका उल्लंघन नहीं कर सकता है। फिर कहा कि परस्पर के विरोध से रहित है, तत्वों का उपदेश करने वाली है और का सबका हित करने वाली, ऐसी जिनेंद्र भगवान की यह वाणी है। अब जो हमारे उस सम्यक्त के आधार स्तंभ तीसरे नंबर पर आते हैं, उनका नंबर है गुरु। तो गुरु की परिभाषा यहाँ पर बतलाई गई है। देखिए, आचार्य भगवंतों ने परिभाषा दी है, किसी का नाम नहीं दिया। आचार्य समंतभद्र स्वामी भी चाहते तो अपना नाम दे देते, जिन्होंने परिभाषा लिखी वो अपना नाम देते कि मैं गुरु हूँ। अगर वो अपना नाम देते तो फिर गुरु मात्र एक रह जाते, लेकिन एक होते नहीं हैं। कितने होते हैं? अनेक होते हैं। तो यहाँ कुछ लक्षण दिखाए गए, इन लक्षणों से जो युक्त हैं वे गुरु हैं। ये उन्होंने कहा कि जहाँ पर भी, जैसे भगवान के बारे में किसी का नाम नहीं लिया कि आदिनाथ भगवान है, कि भगवान महावीर स्वामी है, कि भगवान राम है, किसी का नाम नहीं लिया। क्या कह दिया? और ने कह दिया कि जहाँ ये लक्षण दिख जाएं वो भगवान हैं। क्या क्या लक्षण बताए थे? दोषों से रहित हों, सर्वज्ञ हों और हित का उपदेश देने वाले हों। बस ये लक्षण जहाँ दिख जाएं वो भगवान है। ऐसे का गुरु के बारे में बताया कि ये परिभाषा है, जहाँ पर ये घटित हो जाए वो सब गुरु हैं। तो देखिए अब यहाँ पर बतलाते हैं, अथ इदानीम श्रद्धा गोचरस्य तपोभृताम स्वरूपम रूपयन आह। यहाँ बतलाते हैं कि अब का अब आगे जो श्रद्धा के आधार स्तंभ हैं, उन आधार स्तंभों में उन तपोभृताम मतलब गुरु का स्वरूप कहते हैं कि वह स्वरूप कैसा है। कि विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपोरक्तस तपस्वी सा प्रशस्ते। यहाँ रक्तस भी आता है और रत्नस भी आता है, दोनों प्रकार के शब्दों का पाठांतर मिलता है। तो देखिए यहाँ बतला रहे हैं कि विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह, बस ये बातें बतला दी गई कि सबसे पहले कहा कि विषय आशा वसाती, जो विषयों की आशा से रहित हैं, अतीत हैं, और का ना जिनको वर्तमान में विषयों की आशा है और ना भविष्य में है कि भविष्य में मैं इतनी तपस्या कर रहा हूँ तो देव बन जाऊँगा, देव बन करके वहाँ स्वर्गों में रहूँगा, वहाँ ऐसे विषय भोग की प्राप्ति होती है, का ऐसी ना वर्तमान में ना भविष्य में। आशा हमेशा भविष्य की होती है। तो कहा विषय आशा है ना, विषयों की जिनके कोई आशा नहीं, इसलिए साधु की परिभाषा साधु के गुणों के अंतर्गत का आता है पंच इंद्रिय विजय। 28 मूल गुण है ना, कितने हैं? 28। 28 में से क्या कहा? पंच इंद्रिय विजय, की जिन्होंने पंच इंद्रियों पर विषयों पर नियंत्रण पा लिया है। तो यहाँ सबसे पहले बतलाया कि विषय आशा वसाती तो का जिनके विषयों की आशा नहीं, और निरारंभो परिग्रह का निर आरंभ और परिग्रह किस किस से रहे थे? आरंभ और परिग्रह दो चीज़ों से रहे थे, है ना। तो कितनी हो गई? तीन बातें हो गई, एक विषयों की आशा, दूसरा आरंभ और परिग्रह। तो आरंभ सारंभ क्या कहलाता है? वैसे आरंभ सारंभ कहलाता है जितना भी निर्माण आदि कार्य होता है,
व्यापार संबंधी कार्य होता है, पैसे संबंधी लेन देन वाला कार्य होता है, वो सब आरंभ के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर क्या सब प्रकार का आरंभ सारंभ, तो वैसे आरंभ त्याग प्रतिमा होती है, 11 प्रतिमाओं के अंतर्गत आरंभ त्याग प्रतिमा है, वह 8वें नंबर की प्रतिमा है, 7वें नंबर पर ब्रह्मचर्य प्रतिमा, 8वें नंबर पर आरंभ त्याग प्रतिमा। तो आरंभ त्याग प्रतिमा के अंतर्गत ये चीजें बताई गई कि वह खेती व्यापार धन कमाने संबंधी कार्य इन सब से वह रहित होता है, कोई प्रकार का आरंभ सारंभ नहीं, नारंभो परिग्रह, और का समस्त प्रकार के परिग्रह से रहित है। कितने प्रकार के? समस्त प्रकार के परिग्रह से रहित। लेकिन आज यहां ये परिभाषा घटित करना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि यहां आया कि एक बसर आरंभ सारंभ का छोड़ना साधु के अपने हाथ में है, और वो छोड़ भी देते हैं कि कोई आरंभ सारंभ नहीं करना है। लेकिन निरारंभो परिग्रह का हुआ है कि अपरिग्रह से रहित होना, ये कठिन बात है। क्यों कठिन है? क्योंकि ये गुरु के हाथ में भी है और गुरु के साथ ये कुछ कार्य श्रावक के अधीन भी है, इसलिए यह कठिन है दोनों प्रक्रियाएं। क्योंकि जब परिग्रह की बात आती है तो परिग्रह कितने प्रकार का होता है? और 10 लक्षण पूजन पढ़ते ना, क्या पढ़ते? परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनि राज जी, है ना? कहा कि वह परिग्रह 24 भेद का, परिग्रह 24 प्रकार का है, उसमें 14 प्रकार का अंतरंग और 10 प्रकार का बहिरंग, ऐसे वह 24 भेद हुए। तो 24 प्रकार में अंतरंग परिग्रह छोड़ना साधु के अधीन है, स्वाधीन है। उसमें क्या है? एक मिथ्या, 4 कसाय, कितने हो गए? 5, और जो ईषद कसाय कहलाती हास साधी, 9। तो 9 और 5 14, तो ये 14 कसायों का परित्याग करना, वो सब एक तरह से कसाय ही, तो का छोटी बड़ी सब प्रकार की, इन 14 प्रकार की कसायों का, मतलब एक मिथ्यात और 13 कसायों के अंतर्गत आ गए, हास साधी जिसको ईषद कसाय बोलते हैं। तो का इस तरह इन सब का त्याग करना, और फिर इसके साथ साथ में कहा कि 10 प्रकार का बहिरंग परिग्रह। अब ये मुख्य राजमार्ग हो गया, और 10 प्रकार का बहिरंग परिग्रह क्या है? तो 10 प्रकार का बहिरंग परिग्रह कहा, क्षेत्र वास्तु, हिरण सुवर्ण, धन धान, दासी दास और कुप भाण, ये 10 प्रकार का बहिरंग परिग्रह। तो आज वर्तमान समय में का इस बहिरंग परिग्रह का स्थान एक कॉमन बात हो गई है, जिसमें दासी दास का परित्याग कठिन हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि श्रावक अपने कर्तव्य से विमुख हो गया, है ना? जब कभी चतुर्मास होता है तो सबसे पहले चर्चा चलती है कि एक जोड़ी बुलवा लो, काय के लिए? साधु को पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डालने के लिए, है ना? साधु की गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए एक जोड़ी बुलवा लो, है ना? तो क्या वो किसके लिए हो गई? साधु के लिए। अब फिर उसके साथ में एक और सहयोगी चाहिए, असिस्टेंट, है ना? तो वो भी चाहिए, काय के लिए चाहिए भाई? अब जब गाड़ी में पेट्रोल डलेगा तो बर्तन लगेंगे, तो उसके लिए भी चाहिए फिर, है ना? और भी कार्यों के लिए फिर एक ऐसा करो, एक गेटकीपर भी कर लो, है ना? क्योंकि दिन भर व्यवस्था कौन देखेगा। तो का ये बातें आजकल कठिन हो चुकी, है ना? तो का यहाँ पर जो बात बतलाई जा रही कि सब प्रकार के परिग्रह से रहे, ये भी मामला गड़बड़। और इस बात को मैंने कल भी बताया था कि जब जब श्रावक अपने कर्तव्य से विमुख होगा, तब तब
गुरु निर्दोष नहीं रह सकते, है ना। वहां सदोषता निश्चित है, कर्तव्य से जब जब विमुख होंगे, लेकिन आरोप केवल एक पर देते हैं, गुरु के ऊपर, लेकिन अपने ऊपर कोई नहीं कहता कि नहीं अपना क्या कर्तव्य था। आप कहीं भी उठा के देख लो, रक्षाबंधन की कथा को उठा के देख लो, क्यों ही रक्षाबंधन की कथा, क्योंकि श्रावक अपने कर्तव्य को भूल गए, तो वो समस्या है। वहां जाकर के देख लो कि दंडक वन में 500 मुनियों को फेल दिया, तो क्यों हुई, क्योंकि श्रावक अपने कर्तव्य को भूल गए। और का अगर इस धरा पर साधु नहीं होगे तो धर्म का लोप हो जाएगा। तो कहेंगे महाराज हम लोग तो हैं, पूजा कर लेंगे भगवान की, मंदिर बना लेंगे, इससे धर्म चल जाएगा, कभी नहीं चलेगा। अगर इतने से धर्म चल जाता तो फिर क्यों कहा था, क्या कहा था कि भगवान पुष्पदंत नाथ से लेकर के और धर्मनाथ भगवान तक धर्म का लोप हो गया, तो क्या मंदिर नहीं थे, क्या भगवान की पूजा करने वाले नहीं थे, सब थे, है ना। और नहीं थे तो बीच के तीर्थंकर भगवान ने कहां जन्म लिया, क्या अजैन के घर जन्म ले लिया था, लिया जैन के घर लिया, लेकिन का इतने समय तक बीच बीच में का साधु नहीं रहे, और जब साधु का अभाव हो गया तो धर्म का भी अभाव हो गया, धर्म का भी लोप हो गया। तो यहां पर यही बतलाया जा रहा है कि धर्म का लोप साधु से हो जाता है, साधु के अभाव में हो जाता है। तो का गुरु तब तक रहेंगे, साधु तब तक रहेंगे जब तक श्रावक अपने कर्तव्य को समझते रहेंगे, तब तक साधु बिल्कुल इस धरा पर बने रहेंगे, और जब इस चीज के कर्तव्य से विमुख होते चले जाएंगे तो फिर कहा कि उस चीज को फिर समाप्ति आ जाएगी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्थक थे श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर समिति, पंजीकृत सुभाष चौक मंगल बाजार लक्ष्मी नगर दिल्ली। निवेदक सकल जैन समाज, सुभाष चौक मंगल बाजार लक्ष्मी नगर दिल्ली।